हम लोगों ने पिछली वीडियो में घराना का कॉन्सेप्ट समझा और उसका लिमिटेशंस। अब घराने के कुछ भीतर चलते हैं, उनकी गायकी को समझने की कोशिश करते हैं कि हर घराने की गायकी किस प्रकार से है। हम लोग इस सभी बातों को पंडित जी से ही समझते हैं। आइए देखते हैं। म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऐसे सुनते हैं, मैंने आपसे सुना नहीं है, लेकिन स्पेशल फीचर्स ऑफ डिफरेंट घराना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आगरा है, पटियाला, जयपुर जैसे भी हैं, तो उसके जो स्पेशल फीचर्स है दैट यू हैव स्टडीड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। मैं कोशिश किया, हाँ मैं कोशिश किया, थोड़ी कोशिश करिए ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे अगर दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स, तुम सम सम हाँ टाइम जो है मुल्तानी पे थोड़ा सा जो ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट जो कि किराना घराने का खास कंट्रीब्यूशन है। तो मैं जब जैसे कवन खास अंग है किराने का। किराने ये अगर वाइज खान साहब को सुना जाए तो पता चलेगा कि वाइज खान साहब इसको इसके बारे में दरबारी बोलिए बहुत राग नहीं है, मगर एक राग सुनने से तो अलग राग में भी इसको अंदाज किया जा सकता है। इसको आमिर खान साहब ने स्लो कर दिया, लय गाना वही है बिल्कुल। गाना मगर बीच में गैप लिया और तंबूरे को बहुत अच्छी तरह तंबूरे को इस्तेमाल किया गाने में, कैसे इसको बहुत मगर ये अगर खास साहब का गुलाम अली खास साहब का गायकी में मुल्तानी देखा जाए तो खास साहब की एक टॉक भी है जिसमें बोलते थे कि चार किस्म का ऋषभ है मुल्तानी में, चार किस्म का ऋषभ खास साहब मानते थे। एक है पहला गर सा, दूसरा गर सा, तीसरा गामा प गामा मगर सा मगर सा।
अब बोल के हंसते बोलते थे चौथा मेरा है। कैसा है? गामा ऋषभ है, अब तो मुझे लगा ही नहीं, वो जो लगाया एक दिन हमारा नींद टूट गया था कि इस सारी रात बैठ के मैं उसकी कोशिश किया, अब तब तक नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसा आ सकते कोई सोच में ही नहीं हो सकता है। हे कवन से पंचम से ऋषभ भी जाते थे गए पिया मोरा हे पिया। तो लगा कि अरे बाप रे कैसे लगाया, बोले चौथा मेरा है। बहुत ही मतलब आप तो जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि तो ये अगर इसमें है और ये क्या का खास अंग है ये, तो हम देखा ये अलदिया खास साहब को सुना जाए या निवृत्ति बुआ जी से कुछ देखा जाए, फिर हमारे मल्लिकार्जुन जी भी दूसरे पिच में गाते थे, मगर यही चीज गा गा म गा मा म गा मा ब म गा मा गा मा बनी गा मा गा मा सा गा सा गा नी सा गा मा गा मा गा मा ब म ब म गा मा गा मा 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 गा री जा नी सा गा मा 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 गा री जा नी सा गा मा। यंग चैप्टर जयपुर, हाँ जयपुर का या उस्ताद फयाज का साहब जैसे गाते थे, उसमें तो बोल की बात थी, आप तो जानते हैं, जैसे कंगन मुदरिया हो रे रे कंगन मुदरिया धनकर नाना धनकर हो रे रे मुदरिया मोरी मोरी कंगन रे कंगन साथ जो अंदाज था ये तो खास उनका कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद तो अलग अलग कलाकारों ने उनको जो एकदम कॉपी करने का कोशिश किया उनको तकलीफ ही हुआ फिर, मगर एक ही कलाकार का कंट्रीब्यूशन हो जाता है जैसे उन्होंने यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड यू सी यहाँ कॉपी करने का ही तो बात है, सही बात है। अभी जैसे कि दिल्ली वाले भी हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे दिल्ली की जो तानस खा साहब की जो बंदिश उसमें ज़्यादातर ठा बराबर की चीज़ था और जो शांति दिल्ली घराने की एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा? जैसे जैसे
बदले का गाना अगर गाऊं चे तेरे किटे दिन ना तेरे दिन तेरे किटे दिन ना तेरे दिन चप्पल ये बात बस दिन ना तेरे दिन दिन तेरे दिन ना तेरे दिन चिंता ये बंदिश किराने का है मगर गायकी जो है मैं इसको जो तानिश खान साहब की तो एग्जैक्ट गायकी पता नहीं चलता है मगर यूनुस हुसैन खान साहब के साथ में काफ़ी समय बिताने का मुझे सौभाग्य हुआ है। यूनुस हुसैन खान साहब दिल्ली घराने के बारे में जो ठा बराबर और जो हुंकारा और कुछ मतलब ध्रुपद अंक के साथ भी जैसे था कैसे बन के आते थे जैसे आमद बन दिल्ली का खास चीज चिंता कर क्योंकि ग्वालियर के पास था तो ग्वालियर का गायकी ना करे रे चिंता से जो बोल बन के और आमद बन के आना ये यूनुस हुसैन खान साहब की एक इंटरव्यू भी है उसमें उन्होंने एक देशी राग का उन्होंने ग्वालियर और पटियाला और दिल्ली के सब एक साथ उन्होंने कंपैरिजन वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो भी सुनाऊंगा देसी के लिए बहुत और उसमें कैसे गुलाम अली खान साहब दिल्ली से क्या चीज़ लिया मतलब दोनों दैवत सिंगल दैवत शुद्ध दैवत कोमल दैवत था सब सब दोनों का देशी का दोनों दैवत के साथ ही दिखाया। गुलाम अली खान साहब दोनों दैवत नहीं गाते थे वो एक ही दैवत गाते थे और मेरा ख्याल आगरा में कोमल दैवत ज़्यादा आगरा में गाया क्योंकि नहीं हमारे जो नारायण राव व्यास जी पटवर्धन जी ग्वालियर ग्वालियर वो भी तो दोनों दैवत के गाना हुआ विद्याधर जी को मालूम उन दोनों को तो व्यास साहब बैठे ना दोनों दैवत के साथ तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर कोई पर्सनल बातें कहनी हो मुझे तो इंडियन म्यूज़िक आर्ट फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।